जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी और जिनका SSB कांस्टेबल वाले जिनका मेडिकल है वो अपनी मेडिकल की तैयारी में लगे होंगे, और आप जिनका मेडिकल कंप्लीट हो गया है वो अपने जो है पास हो गए, सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जो फेल हुए हैं तो वो लोग एकदम हिम्मत ना हारें, अपनी मेहनत करते रहें। आपको जो है कहीं ना कहीं मेहनत करते रहेंगे तो नौकरी आपकी हो जाएगी, ठीक है? जहाँ पर मेडिकल इतना टफ नहीं लिया जाता, जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे कलर विजन है, फ्लैट फुट है, जिन जिन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता है, अगर उस बीमारी में आप निकल रहे हैं जैसे वेरिकोज वेंस है, तो आप जो है ऐसी भर्तियों की तैयारी करें जिसमें क्या मेडिकल थोड़ा सा नॉर्मल लिया जाता है, ठीक है? वर्दी की जितनी नौकरी है इसमें मेडिकल थोड़ा टफ रहता है, आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आपका री मेडिकल मिला है उसमें कितना समय मिल रहा है? तो दोस्तों, उसमें देखिए जो हमें सूचना मिली है उसमें उन्होंने बताया 24 घंटे का समय दे रहे हैं, उसी में जो है पास के ही हॉस्पिटल से फिट करवा के देना है। और अभी तक जितने भी बच्चे दे के आए हैं किसी ने अपना फ़ोन नंबर सहित नहीं लिखा है कि मेरा सर ये नंबर है और मैं मेडिकल देकर फिट हुआ हूँ या अनफिट हुआ हूँ या री मेडिकल मिला है, तो किसी बच्चे ने भी ऐसा नहीं किया। तो जो मेरे भाई बहन अगर वीडियो देख रहे हैं और आप अगर मेडिकल फिट हुए हैं या जो भी हुआ है या आने वाली डेटों में आपके हैं, तो अपना जो है फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है? इसके बाद कुछ आपके पॉइंट हैं जो मैं लिखा हूँ, जो आपके अपडेट मिली हैं और आपके कुछ जो है कमेंट हैं। तो दोस्तों, 1522 कांस्टेबल की भर्ती SSB की ही हम बात कर रहे हैं, 2020 वाली। मेडिकल अपडेट क्या है? मेडिकल देखिए दोस्तों, 30 तारीख को आपका मेडिकल हुआ, फिर 1 की और 2 की छुट्टी रही, उसके बाद में 3 तारीख को मेडिकल फिट हो गए बच्चे जो होने थे। उनकी ब्लड रिपोर्ट वगैरह आने के बाद में जो पास का हॉस्पिटल है, जैसे मैंने बताया मेरा भी हुआ था, तो पास के हॉस्पिटल में ही सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड, यूरिन और ECG और आपका एक्सरे, ये आपका प्राइवेट मतलब वहीं पे हॉस्पिटल में होता है, सरकारी हॉस्पिटल। इसके बाद में बाकी सारा SSB खुद कराती है। अब कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ की लखनऊ की खबर दीजिए, कैसा वो पढ़वाने वाला जो चार्ट है, आई चार्ट कैसा है? तो देखिए, आई चार्ट के लिए जो नॉर्मल आई चार्ट होते हैं वही आई चार्ट है, ऐसा कोई स्पेशल SSB के लिए अलग से नहीं बना हुआ है कि जो कि अलग से आई चार्ट हो, ठीक है? तो वही आई चार्ट है। इसके बाद में मेडिकल कैसा हो रहा है, देखिए फोर्स का मेडिकल, कुछ लोग अपने भ्रम ये पहला था कि हम तो ट्रेड वाले हैं, हमको GD से क्या मतलब है, हमारा तो मेडिकल एकदम नॉर्मल होगा। ऐसा बात नहीं है, जितना मेडिकल GD का हो जैसा होता वैसे ही आपका भी मेडिकल किया जा रहा है। तो मेडिकल देखिए, अगर आपके कोई पॉइंट बनता है तो भाई आपके लिए हार्ड लगेगा, और आपके शरीर में कोई पॉइंट नहीं है तो आपको आसान लगेगा। तो ये तो जो है आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मेडिकल जो है नॉर्मली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ करके फेल करने का कोई किसी का SSB का ऐसा मकसद नहीं है। कितने दिन आप रुकना पड़ सकता है तो आप देखिए, अगर छुट्टी उट्टी नहीं पड़ती है तो 2 से 3 दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 दिन में तो नहीं होगा क्योंकि भाई जांचें होती हैं, एक्सरा होता है, तो अगले दिन ही रिपोर्ट मिल पाती है, समझ गए? इसके बाद जब मेरा हुआ था तो भैया 1 हफ्ता लगा था, 8 दिन, 8 दिन का समय लगा था, ठीक। इसके बाद में क्या सेकंड लिस्ट आएगी? देखिए, अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से बच्चे फेल हो रहे हैं तो काफ़ी बच्चों को फेल किया जा रहा है, अगर बच्चे कम पढ़ेंगे तो हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाए। इसके बाद बात करते हैं, सर आज मेरा मेडिकल था, एक भैया का कमेंट है जितेंद्र कुमार का, सर मेरा आज मेडिकल था, मुझे पता नहीं था, अब मैं क्या करूँ? अब बताइए, बच्चे जो है पेपर दे दिए, रिजल्ट आ गया, उनको पता ही नहीं है कि मेरा मेडिकल है, एक्टिव ही नहीं है। तो इन चीज़ों में आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब आपके लिए उपाय यही मैं कहूँगा, आपका अगर डेट निकल गई है तो तुरंत जितना भी जल्दी हो सके उस सेंटर पे पहुँचें और वहाँ जाके अपना संपर्क करें, ठीक है? इसके बाद सर मेरा 30 को था मेडिकल, 3 तारीख को रिमेडिकल दिया टैटू के लिए। अब देखिए, टैटू का बहुत पॉइंट आ रहा था कि छोटा सा टैटू है सर, ओम बना है, एक भाई ने कमेंट भी किया था सर ओम बना है तो क्या मैं पास हो जाऊं? ओम पर टैटू पर दोस्तों बिल्कुल रिमेडिकल का पॉइंट बन रहा है, और यहाँ पर जो है रिजेक्ट ही कर दिया जा रहा है। क्यों? रिमेडिकल में भी जो है यहाँ पर फेल ही लमसम कर दिया जा रहा है, ठीक है? ट्रेनिंग कब होगी SSB 2020 की? एक कुमार सन्नी करके ID है, उन्होंने लिखा है कि सर 2020 की ट्रेनिंग कब होगी? दोस्तों, अक्टूबर में ही आपके मेडिकल भुगत जाएंगे,
नवंबर छोड़ दो, नवंबर के या तो लास्ट में दिसंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। देखो 100% नहीं कह सकता हूँ, बहरहाल जो है जिस हिसाब से आपकी भर्ती को कंप्लीट किया गया है तो नवंबर में शायद हो सकता है आपकी भर्ती को, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जो है नवंबर से दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, नवंबर टू दिसंबर। इसके बाद में सर वायरल बुखार है, आगे की डेट नहीं हो सकती क्या? मतलब इनका कहने का भाई का कमेंट है, सर वायरल बुखार मुझे आया हुआ है तो क्या मैं अगली डेट में जा सकता हूँ क्या? SSB की तरफ से ऐसी कोई डेट नहीं निर्धारित की गई है कि जो बचे हुए हैं उनको बाद में लेंगे। आपको वायरल बुखार है फिर भी आप दवाई खा कर जाइए, परंतु आप मेडिकल की निश्चित डेट पर पहुँचिए। ठीक है, इसके बाद में पंकज, पंकज भाई हैं लिखे हैं टैटू पर फेल, इनको देखिए टैटू पर फेल कर दिया गया। पंकज भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया सर मेरा टैटू था और मुझको फेल कर दिया गया। जैसे मैंने बताया टैटू पर आपको जो है फेल किया जा रहा है। डिपार्टमेंट एग्जाम में एज लिमिट, एक भाई का कमेंट है कि सर SSB का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें कोई एज लिमिट होती है क्या? देखिए उसमें एज लिमिट जो है होती है, परंतु बहुत मतलब ज़्यादा रहती है, इतनी कम नहीं, लमसम शायद 45-47 तक वहाँ पर एज रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है एज की कोई लिमिट, मतलब लिमिट तो है पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम फिक्स हो, इसमें जो है काफ़ी बात तक समय दिया जाता है, अगर आप पढ़ते रहेंगे हो जाएगा। SSB क्यों छोड़ दी? कई भाइयों के कमेंट आते हैं आपने SSB क्यों छोड़ दी, तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं जो है घरेलू समस्या की वजह से SSB छोड़ा। हमारे घर में मम्मी नहीं है और हम सबसे चारों भाइयों में सबसे छोटे हैं, तो कोई घर में जो है परिवार की परवरिश करने वाला, देख रेख करने वाला नहीं था। अब आप समझते हैं आज के समय में कितने काम ऐसे होते, बच्चों का भी होता है, बीमार हो गया, ये है वो, तो आप फौज से तो हर महीने हर रोज़ नहीं आ सकते ना, तो थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन की। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बढ़िया से मेडिकल दीजिए और इस बार SSB में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस बार आप लोग जो है अपना जो है SSB में पक्का ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, और आप लोगों को मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत बहुत बधाई, अपने अपने यूनिटों में जाके अच्छे से वर्क करना और बढ़िया से अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।